बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ का प्रोग्राम अपने हिस्से की शम्मा, और मैं हूं आपके साथ इस्मा राजपूत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों से रोज़ाना की बुनियाद पर हम मंडी बहाउद्दीन के मुख्तलिफ तंजीमों के साथ प्रोग्राम करते हैं, और इसका मकसद भी यही होता है कि मंडी और मंडी से बाहर के रहने वाले लोग के फलाही कामों में ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों की मुआवनत हासिल कर सकें। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ मंडी बहाउद्दीन की एक तंजीम जो है घनिया वेलफेयर फाउंडेशन के सीनियर मेंबरांस हमारे साथ मौजूद होंगे। नवीद अशरफ साहब, फुरन शहजाद साहब और कमर शहजाद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के चेयरमैन नासिर अब्बास तारड़ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले आप सबको खुश आमदीद। फुरन शहजाद साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो तंजीम है ये कब बनाई गई और किस तरह से आपको ये आइडिया आया कि हम लोगों की खिदमत इस तरीके से भी सरंजाम दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 73 का, और जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं या जो हमने पहले वो आपके साथ सलाम उल्लाह के साथ शेयर कर सके। दुनिया भर के फाउंडेशन की जो हिस्ट्री है वो इस तरह से आज से तकरीबन 1 साल पहले 2021 में सदर में हमने हमारे जो ओवरसीज भाई हैं उत्पाद साहब, उन्होंने ये प्लान हमारे सामने रखा कि क्यों ना गन्या गल जो गन्या गाँव है उसके अंदर एक ऐसी बाधी को स्कीम दी जाए कि जिससे हम लोग अपने गाँव के जो सोशल वर्क हैं वो परफॉर्म कर सकें और गाँव के तमाम अपराध उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला सकें। इसमें थोड़ी सी अगर मैं बात करता तो इसलिए गन्या गाँव जो है उसकी आबादी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और गन्या गाँव के अंदर मुख्तलिफ बराबरियाँ रहती हैं। वहाँ पर कुछ मसाइल थे और उन मसाइल को हल करने के लिए भी जो जिस चीज़ की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, वो मेरे ख्याल में इसी चीज की थी कि एक ऐसी बॉडी, एक ऐसी फाउंडेशन कि सब लोग उसको ओन करें और उस प्लेटफॉर्म से अपनी अपने गांव के जो मसाइल हैं उनका हल तलाश कर सकें। तो उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए फिर हमने फरवरी के अंदर ये स्टार्ट लिया, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के इख्तिताम तक जिस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है वो ये है कि हम लोग तकरीबन 70 लाख के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने गांव के अंदर इस वक्त तक मुकम्मल कर चुके हैं, और कुछ के ऊपर काम जो है वो भी चल रहा है। नवीदर्शन साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। मैं अपना सवाल दोबारा से दोहरा रही हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मुझे ये बताइएगा कि ये जो घनिया वेलफेयर फाउंडेशन के मंशूर पर रोशनी भी डालिए, और मुझे ये भी बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म से आप करना क्या चाहते हैं और अब तक क्या क्या कर चुके हैं। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया 72 न्यूज़ का और नासिर साहब का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपना माइंडसेट आपके साथ शेयर कर सकें। इसका जो बेसिक हमारा मंशूर था वो था सफाई के हवाले से, हमने स्टार्ट लिया था। तालीम, सेहत, ये 3-4 चीज़ें ऐसी थी जो बेसिक चीज़ें होती हैं एक गांव में एक मॉडर्न सोसाइटी में रन करने के लिए, उसके साथ हमने लिया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह के कुरम साहब ने बताया कि 1 साल का हम लोग सफ़र तय कर चुके हैं, 1 साल के अंदर हमने पेपर जो है ना वो कामयाबियाँ समेटी हैं, और तकरीबन 70 लाख के प्रोजेक्ट हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं, और कई ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे अभी कंटिन्यू हैं जी। कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो आप कर चुके हैं और अभी कौन कौन से किस पे काम चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम सफाई के हवाले से बेहतरीन काम कर चुके हैं। पूरे गांव में एक रोशनी का एक सिलसिला हमने पूरे गांव को हमने वो रोशन कर दिया है। बाकी कुछ
और हमारे जो मसाइल थे, दूसरा कब्रिस्तान में को वजू के पानी का मसला था वो हल कर चुके हैं, गलियों में जो हमारी सफाई सुथराई जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो भी सिस्टम था सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा ख़त्म करके एक जदीद तरीके से हमने एक रक्षा अरेंज करके किया है। मुख्तलिफ गलियों में हमने ड्रम रखे हैं, एक बंदा हायर किया है सैलरी पे, पूरे मंथ में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग वो हर गली में आता है, घरों में जाके अपनी आंटियों बाजियों बहनों को सबको गाइड किया है कि आप डस्टबिन अरेंज करें और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया है और इतना ज़बरदस्त हमारा वो कामयाब हुआ है। अब ये तो सुबह जब वो आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी माएँ बहनें अपने डस्टबिन में जो है ना वो रक्षे के अंदर डालती हैं और हम लोग गाँव से बाहर जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। विद इन 30 मिनट्स हम हमारा पूरा मोहल्ला पूरा गाँव अल्हम्दुलिल्लाह वो साफ हो जाता है। अच्छा ये भी बताइएगा जरा कि इन कामों में ये ज्यादा आसान नहीं होते, काफी मुश्किल होता है इस काम को करना, तो आप लोगों को इसमें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अल्हम्दुलिल्लाह जी शुरू शुरू में थोड़ा सा फंडिंग के वाले से था हमारा प्रॉब्लम, लेकिन जैसे जैसे हम लोग चलते गए मोटिवेशन आती गई, एक टीम के साथ हम लोग जैसे चले, वो ओवरसीज ने बड़ा हमारे सपोर्ट किया और हमने गांव में वर्क किया, डोर टू डोर गए, ऐसे लोगों को नौजवानों को इसमें ऐड किया कि आप लोग वर्कर हैं आप इसमें काम करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बेहद कामयाबी मिली और साथ ही साथ हमने तकरीबन हम लोग 100+ मेंबर अपने गांव का ऐड कर चुके हैं जो हमारी बहुत बड़ी टीम बन चुकी है। जो वर्किंग के हवाले से हमें अब कोई इशू नहीं है, फंडिंग के हवाले से भी अब कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो मंथली एक किस्म के एक्सपेंस हैं प्रोजेक्ट के एम्बुलेंस के हवाले से ड्राइवर के सफाई के, हमें तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये चाहिए मंथली, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गाँव जो है वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि कामयाबियाँ मिल रही हैं। फरम शहजाद साहब आप ये बताइएगा कि सेहत तालीम और रोजगार जो होता है वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, क्या आप लोग भी इस पर कोई काम कर रहे हैं? जी हमारा काम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त है। सेहत के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस की सहूलत जो है ना वो किसी भी गाँव के लिए बहुत बड़ी चलती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे दुनिया भर पर के पास अपनी एम्बुलेंस मौजूद है जो 24 घंटे लोगों को किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फैसिलिटेट करने के लिए जारी है। उसके अलावा जो हमने जो इसके अलावा तालीम के हवाले से जो काम है उसमें इस वक्त इस साल हमने माशाल्लाह से जो गाँवों के अंदर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो मुस्तहिक बच्चे हैं उनमें तकरीबन 175 बच्चों को हमने यूनिफॉर्म जर्सी टूल टॉक और उसके अलावा बाकी जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है ताकि वो पूरे सेटल के अंदर स्कूल पहुँच सके वो हमने उसके उनको प्रोवाइड किए, जो कि तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख में वो प्रोजेक्ट जो है ना वो हमारा मुकम्मल हुआ है। उसके अलावा जो विशेष की अगर दूसरी बात करें तो हमारे पास हेल्पिंग हैंड NGO है INGO है वो काम कर रही है हमारे यूसी के अंदर और मैं उसका प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ मंडी बहुद्दीन में, तो उसमें भी हम लोग जो है ना उनके थ्रू मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लगा जो है ना वो ला रहे हैं अपने गांव में, जिसमें मेडिकल कैंप है, उसके अलावा जो है ना वो आई कैंप एक लगा था हमारे यहाँ जिसमें लोगों के फ्री ऑपरेशन वगैरह जो है ना वो किए गए कंडक्ट किए गए और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह जो है ना उस प्लेटफॉर्म से हमें मजीद उम्मीद है कि हमारे लिए हमारे गाँव में मुख्तलिफ जो मेडिकल कैंप्स है ना उनका इनका गायब वगैरह होता रहे। मैं पूछ रही थी आपसे ये कि आप मुझे अपने तंजीम के हवाले से जरा बताइएगा कि यतीम और मुस्तहिक बच्चों की शादियों के हवाले से भी कुछ इकदाम उठाए आप लोगों ने? जी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सर खुरम ने बताया कि हेल्पिंग एंड जो NGO है हमारे साथ वो जो काम कर रही है और फिर जो बच्चे हैं उनकी हम लोग डाटा बेस पे, क्योंकि ये खुरम भाई हमारे वेलफेयर भी रन कर रहे हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं जिला मंडी बहाउद्दीन के, तो हम लोग ज्वाइंट फीचर कर रहे हैं हमारे गांव में जितने वो बच्चे हैं यतीम उनकी लिस्ट बना के खुद भी हम लोग रमज़ान में जितना हो सकता है वेलफेयर की प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हेल्पिंग हैंड से भी जितना हो सकता है मैक्सिमम हम उनको डिलीवर कर रहे हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह गांव का इस वक्त इतना ज़बरदस्त माहौल है कि यकीन करें कि हमारे करीब में ये फालिया है, मंडी बाउद्दीन है। अब कई लोग ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि यार फालिया से ज़्यादा बेहतरीन सहूलियात और एक एटमोसफियर इतना ज़बरदस्त बना दिया गाँव का, हर बंदा विश कर रहा है कि गाँव की ज़िंदगी ज़्यादा बेस्ट है। मैडम मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो। जी जी, उसमें यह है कि हमने आज जो है ना हमारी मीटिंग की अड्डा के ऊपर ना जो जहाँ पर हमारा ऑफिस है गंगिया वेलफेयर फाउंडेशन का जो एंट्री पॉइंट है वहीं पर हमारा ऑफिस है, तो उसमें आज हमने एक मीटिंग कंडक्ट की है और उसमें हमने आगे जो गवर्निंग पार्टी के जो मेम्बरान है ना उनके जिम्मा लगाया है कि आप अपने अपने तौर पर जो एप्लीकेशन है वो इकट्ठी करें, कलेक्ट करें, वो बच्चियाँ उनके जाहिर है शादी के जो मामला हैं उसमें जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो यही होता है कि लोग जो है ना वो फाइनेंशियली जब कमजोर होते हैं तो डिले होता जाता है। तो हमने अपने जो गवर्निंग बॉडी के अदरात हैं उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग एप्लीकेशन कलेक्ट करें, उसमें फिर आगे जो है ना वो हम लोग जो मुस्तहिक होंगे इंशाल्लाह हमारा प्लान है इन फ्यूचर जो है ना वो हम लोग ये जो अपने गांव के अंदर जो मुस्तहिक बच्चियां हैं हमारी बहनें हैं बेटियां हैं उनकी जो शादियों के सिलसिले में हम उनको पूरा पूरा फैसिलिटेट करेंगे गंगिया वेलफेयर फाउंडेशन के इंशाल्लाह प्लेटफॉर्म से। हेलो उसमें जो है ना वो इसके हवाले से भी बाकी असल में हमारा जो इस साल का जो हमारा टारगेट था वो ये था कि हमने जो अपने कुछ जो सोशल वर्क्स है ना उनके ऊपर हमने फोकस किया हुआ था। मिसाल के तौर पर हमारे गांव के अंदर जब एंटर होते हैं ना तो वहां पर एक जोहड़ था काफी बड़ा और वो जोहड़ जो है ना वो हमारे लिए यानी कि कोई नेक बख्ती की इलामत नहीं था, डिस्प्यूटेड एरिया था। तो उसके हवाले से काफी अल्हम्दुलिल्लाह जब ये गनिया वेलफेयर फाउंडेशन बनी तो गांव के जितने भी अकाबरीन है ना उन्होंने उसका मैंडेट जो है वो गनिया वेलफेयर फाउंडेशन को दे दिया कि आप इस जमीन जिस तर्ज पर भी इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। वो तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ का वो रकबा है, उसके ऊपर आजकल हम लोग जो है ना वो हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है रनिंग हालत में वो वही है। उसमें अब हम लोग जो है ना वो अभी मट्टी डलवाई है तकरीबन 2.5 लाख जो है वो उसके ऊपर खर्चा आया और उसके ऊपर हम लोग एक जो है ना वो वर्किंग का प्लान है हमारा, उसमें एक मिनी पार्क इंशाल्लाह बनेगा, उसके अलावा जो है वहाँ पर एक रिक्शा स्टैंड जो है और पार्किंग जो है ना वो छोटी सी जिसके अंदर हमारे जो रिक्शा वगैरह हैं या हमारे एम्बुलेंस है या उसके अलावा हमारा जो ऑफिस है वो परमानेंटली वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और इस वक्त जो हमारा मेजर फोकस है वो इसके ऊपर है, ये जो हमारे अड्डा की एंट्री पॉइंट है ना हमारे गाँव के एंट्री पॉइंट है वहाँ पर। बाकी इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट जो अंडर डिस्कशन था जिसके ऊपर आपने क्वेश्चनिंग भी की कि जो हमारी बच्चियाँ हैं मुस्तहिक बच्चियाँ हैं उनकी शादी के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह फर्दर जो है वो हम लोग इसके ऊपर काम शुरू
उसके अलावा इस वक्त जो एक और काम जिसके ऊपर हम लोग काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा शजरकारी के हवाले से। तो आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे कि बहुत जल्द, और मैं इनवाइट भी करूंगा आप लोगों को आज के इस प्लेटफॉर्म से जो आपने हमें प्रोवाइड किया, कि आप इंशाल्लाह किसी वक्त एक विजिट कंडक्ट करें आप हमारे गांव का। एक दो दफा पहले बात हुई थी कि वहां पर आकर डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो बनाई जाए, जो उस वक्त जो है वो हमने जिस कंडीशन में नहीं थी, हमारी बातें भी जाहिर थी मजबूत नहीं थी। तो अब मैं बाकायदा तौर पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अब तो रमजान मुबारक की आमद भी है, तो आप लोग मुस्तहिक अफराद के घर राशन पहुंचाने तक की भी जिम्मेदारी आप लोग उठाते हैं, करते हैं ऐसा कुछ काम आप लोग जाने मुबारक में? लास्ट रमजान में भी अल्हम्दुलिल्लाह गनिया वेलफेयर फाउंडेशन ने राशन का इंतजाम किया था, और बाकायदा हमने पूरी लिस्ट ने बना के हमारे पास पूरा डाटा बेस मौजूद है, और दो तरीके से हम लोगों ने पूरे गांव को टारगेट किया था। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको पहले बताया कि हेल्पिंग हैंड हमारे पास बहुत ज़बरदस्त ज्वाइंट फीचर है, इस तरह हम काम कर रहे हैं, और साथ ही गनिया वेलफेयर फाउंडेशन भी है, उधर से भी राशन आते हैं, और हम अपनी मदद आपके तहत भी ढेर सारा राशन इकट्ठा करके रात के अंधेरे में हम लोग जाके घरों में जाके शिफ्ट करते रहे हैं ताकि किसी की इज्जत मजरूह ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा राशन हो गया था कि हमें खुद लोगों को फिर कहना पड़ा कि अब स्टॉप कर दें, जो हमें डेटा था हमारा वो कम्प्लीट हो गया। बहुत अच्छी बात है। ये भी बताइएगा कि ये जो भी रोजगार अफराद को हुनरमंद बनाने या खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए भी आप कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं? जी बिल्कुल मिस, इसके मुतल्लिक भी बिल्कुल हमारी वर्किंग जारी है, पहले कर भी रहे हैं कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रिशियन के कोर्स वगैरह करवाए हैं बच्चों को, जिससे हमारे अब 10 से 12 लड़के जो हैं हमारे गांव के अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर चुके हैं। अब बच्चों के वाले से कुरान क्लास है वो कर रहे हैं, फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह प्लम्बर के कोर्स आ रहे हैं। अभी लास्ट टाइम हमें एक ट्रेनिंग करवाई है 112 की रेस्क्यू की, कि कुदरती आफात वगैरह आ जाएँ तो किस तरीके से आपने उसमें निपटना है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की ट्रेनिंग थी, वो भी बड़ी कामयाबी के साथ हमारी बच्चियों ने भी की है, बच्चों ने भी की है, इस पर भी वर्किंग जारी है। और हमारी कोशिश है कि हम जो आने वाली नस्ल है उसको जदीद तरीके से मॉडिफाई करें, और जो जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके साथ साथ हम लोग तरबियत पर भी काम कर रहे हैं, और उनके जो स्किल्स के वाले से हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं सर। तो क्या आप लड़कियों के लिए भी कोई सिलाई स्कूल कढ़ाई वगैरह का ऐसा कुछ प्रोग्राम्स हैं जो आप लोग करवा रहे हो कि बच्चों का भी मुस्तकबिल थोड़ा संवर जाए? जी बिल्कुल मिस, कामयाबी हमें ज़्यादा मिली इस बेस पे है, क्योंकि हमारे एक टीम नहीं है, अब हमारे पास 2-3 टीमें बन गई हैं, क्योंकि हमारी एक बॉडी नहीं थी, बॉडी जब बनी है तो हमें साथ जो जॉइंट फीचर हेल्पिंग हैंड का मिला है उससे हमें बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ मिली हैं। उसमें सिलाई स्कूल हैं, पार्लर के कोर्स हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज हैं जो उनके कंप्यूटर कोर्सेज हैं जो हमें वो साथ साथ वो करते हैं, फिर हमने अपने गाँव की बच्चियों बहनों को सारा करके डाटा देते हैं, क्योंकि अब हम एक साल हो गया क्योंकि ये सफ़र करते हुए दूसरा साल है, अभी हमारे जो फिंगर टिप पे सारा डाटा बेस है कि किसको हमने टारगेट करना है, कौन सी है, वो सारा अलग-अलग प्लेटफॉर्म मौजूद है। लोग खुद आके कंसर्न करते हैं कि सर हमारी बच्ची फ्री है या कुरान क्लास करना चाहती है, पार्लर की करना चाहती है, कंप्यूटर क्लास है, क्योंकि जब बॉडी मौजूद हो तो हमें कोई इतना मुश्किल नहीं लगता, हम साथ ही साथ उसको वेरीफाई करते जाते हैं और उनको प्रोसेस से गुजारते जाते हैं। ठीक हो गया। मुझे ये भी बताइएगा ज़रा कि गांव देहात में ज़्यादातर रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता है, तो वहाँ पे चोरी चकारी की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस हवाले से भी कोई काम चल रहा है आपका? जी बिल्कुल, गांव में अल्हम्दुलिल्लाह जो अब गनिया वेलफेयर फाउंडेशन ने पूरे गांव को इस तरह रोशन कर दिया है कि एंट्री पॉइंट जिस तरह आप गाँव में कभी एंटर हों, जिस तरह आप खुरम साहब ने कहा विजिट भी रखें कि पता चलता है कि आप किसी मुहज़्ज़म माशरे में एंटर हो रहे हैं, तो बहुत वक्त बहुत अंधेरा होता था, हमारे बुजुर्ग बड़े रात को नमाज पढ़ने नहीं जाते थे कि कहीं अंधेरा है कहीं गिर ना जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह गनिया वेलफेयर फाउंडेशन में फंडिंग करके इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट दिया है, अब पूरे गांव की जिस तरह 10,000 की आबादी है, अब पूरे गांव को देखने कोई भी ऐसी गली आपको नज़र नहीं आएगी कि जिसमें रोशनी ना हो।
और चोरी चकारी के हवाले से हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग गाँव के मुख्तलिफ एंट्री पॉइंट पे इन और आउट पे हम लोग कैमरा सिक्योरिटी लगाने का सोच रहे हैं। और जब से ये लाइटिंग हुई है तो लोगों ने वॉक करना शुरू कर दिया है, डर खत्म हो गए हैं, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। अब शाम के खाने के बाद अक्सर फैमिली निकल रही होती है, कोई रात को आ रहा होता है, कोई दिन को आ रहा होता है, पता चलता है कि रात भी जो है वो दिन जैसी हो गई है। ठीक हो गया। करम शहजाद साहब, आप मुझे बताइएगा कि आजकल हमारे यहाँ ये बहुत चीज़ पाई जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे बाहर खेलने के बजाय मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, तो मतलब वो सारी सरगर्मियाँ बिल्कुल ख़त्म होके रह गई हैं। तो हमारे बच्चों के लिए कोई गांव में खूबसूरत सा प्ले ग्राउंड ऐसा कुछ बनाने के भी इंतजाम हुए? मैंने आपको पहले थोड़ी सी डिटेल शेयर की है ना, मैं उसको थोड़ा सा वजात के साथ बयान कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं टच देना चाहूँगा आपको, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना नवीद भाई से रोजगार के वाले से, जी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने गांव के अंदर हमारे जो मंडी बाउडीन के अंदर एक फोरम है ना, ओवरसीज फोरम, उनकी मदद से हमने अपने भाई के लिए, अपने एक आफर लाल साहब हैं उनके लिए, फैज साहब के लिए 1 लाख का जो फंड है वो हमने हासिल किया है और उनके लिए बाकायदा रोजगार जो है वो हमने आज उसका इफ्तिताह किया। इसी तरह जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिशियन का हमने नवीद भाई ने उसका तस्करा किया था, वो कोर्स हमने बच्चों को करवाया था और उनमें जो बच्चा जिसने यानी कि जिसकी हमने देखी एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसान होता है हमारा, और वो काफ़ी अच्छे से इस शोबे के साथ मुंसलिक किया, लेकिन वो खालिया आकर पहले काम करता था। अभी हमने उसको दुनिया के अंदर जो है ना वो स्टाफ तलाश किया और हम लोग उसको वहाँ पर पूरे का पूरा जो है ना एक स्टाफ डिजाइन करके दे रहे हैं और वहाँ से वो इस तरह अपना प्रॉपर एक रोजगार जो है ना उसको मिलेगा करेगा। इसी तरह हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है स्किल डेवलपमेंट का, वो हम लोग भी रखते हैं साथ एक जो है ना हम गाँव के जो है ना वो इसको तो अपनी जो हमारी बेटियाँ हैं हमारी बहनें हैं उनको मुख्य छोटी जिसकी डिटेल नवीद भाई ने पहले शेयर कर दी है, उसमें मेन बात तो यही वहाँ से हम बाकायदा उसको रोजगार काम करते हैं। इसी तरह जो है ना सबसे जरूरी होती है बेटी को छोटी करते हैं, इसके अलावा साल में उसके अलावा जो है ना वो बेटी की कोशिश करते हैं। तो अलहमदिल्ला हमारे पास एक पूरा प्लान है और उस प्लान के तहत हम लोग पहले को आगे कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द गाँव के अंदर हर एक बच्चे रोजगार देने का। बाकी जो आपका जो क्वेश्चन था बच्चों के हवाले से, उनके पास इनडोर एक्टिविटी ज़्यादा होगी खेलने के लिए बच्चों के पास, तो हम लोग अपने गाँव के अंदर जो काम कर रहे हैं ना जो हमारा प्रोजेक्ट है उसमें तकरीबन हमारे पास 2 कनाल ज़्यादा ऐसी होगी जहाँ पर हम उनके लिए वो सिर्फ जो है ना वो मुख्य ग्राउंड के एडमिशन का होगा का होगा, तो हमने डेली 5 को खबर देते हैं और जो देर है ना उसके अंदर फायर के लिए सही। गांव देहात जो होते हैं ना उनके ज्यादातर कब्रिस्तान भी बहुत खस्ता हाली का शिकार होते हैं, तो क्या कब्रिस्तान सवारने या उनकी तंजीनों और आयश के हवाले से भी कुछ काम है आप लोगों की तंजीम की जाने से? उनके हवाले से जो हमारा एक दो हमारे गांव के अंदर 3 कब्रिस्तान है बेसिकली जो बड़े, उनमें हमारे एक भाई है इम्तियाज ओवरसीज हैं, एक कब्रिस्तान उसकी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की पूरी ली और उसके ऊपर तकरीबन हमारा जो उसमें तक अप्रॉक्सीमेट खर्चा आया था वो 7 लाख के राउंड अबाउट था। उसके बाद हमने बाकायदा फेंसिंग की, फेंसिंग करने के बाद उसमें जो है ना वो तकरीबन जहाँ जहाँ पर जरूरत थी मट्टी डालने की वो मट्टी डाल के उसके बाद हमने उसके अंदर बाकायदा सीजनकारी करवाई। उसके अंदर इस वक्त तकरीबन 500 पौधा है जो माशाल्लाह से स्टेबल हो चुका है और इंशाल्लाह चंद सालों में तो बहुत ज़्यादा दरख्त होंगे। और इसी तरह जो बाकी 2 कब्रिस्तान हैं उनके बारे में हमारी प्लानिंग चल रही है और जो हमारे डोनर हजरात हैं फायदे हैं उनसे बात कर रही है। हमने क्या कहते हैं उसमें 2-3 चीज़ें थी कि वेलफेयर फाउंडेशन का कहते हैं
अगर हम लोग इतना ज्यादा कि हमारे काम जो है ना वो रुक सकते थे, तो उसके लिए हमने ट्राई नहीं किया कि हम लोग जो साहिब ऐसी जो फ्रॉड हों, लेकिन उन्हीं से हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं, उन्हीं से डिस्कशन कर रही है, वो उनको ऑन करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह पहले कब्रस्तान को सबसे भी से वो पहले इसकी कंसल वगैरह हो चुकी है, बाकी दोनों भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना उनको हम लोग बाकायदा तरीके से मुकम्मल कर देंगे। सही नवीद अशरफ साहब और फिल्म शहजाद साहब, मैं चाहूंगी कि एक एक करके आप अपना मौकफ दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये सारे काम आप लोग अपनी मदद आप करते हैं या आप लोगों को हुकूमत की तरफ से भी सपोर्ट किया जाता है। नहीं मिस, अल्लाह का शुक्र है, गनिया वेलफेयर फाउंडेशन अपनी मदद आपके तहत और हमारे जो साहिब हैसियत लोग हैं जो डोनर हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, और बाकी जो गांव के 80 से 90 मेंबर हमने ऐड किए हैं, मंथली हम कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं जिससे हम लोग अपनी मदद आपके तहत इसको चला रहे हैं। अब देखिए ना, एक सड़क गवर्नमेंट बना के चली गई है या एक कारपेट रोड जो गाँव की तरफ एंटर होता है वो बना के चली गई है, अगर आज हम सब अपनी मदद आपके तहत उसकी केयर नहीं करेंगे, साथ साथ साइडों पर मट्टी नहीं डालेंगे उसके उसको उसकी केयर नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है, गवर्नमेंट तो बना के चली जाती है, उसकी देखभाल उसकी तजीनों और आयश वो सारा गांव अपनी मदद आपके तहत ही किया जाता है। अब जिस तरह गांव में एंटर होने से पहले मुख्तलिफ किस्म की टहनियाँ होती हैं, धुंध पड़ती है, मुख्तलिफ किस्म के हादसा होते हैं, ये कोई इतना लाखों करोड़ों रुपया नहीं चाहिए, ये एक ऐसा मज़े का काम है, इतना इसमें सुकून मिलता है काम करके, किसी का रास्ता साफ करना, टहनियाँ उतरवा दी, रोड सही करवा दिए, खड्डे बने हुए हैं उसको भर दिया, ये कुछ इसके लिए कुछ इतनी बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती, ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे काम हैं, जब ये करते हैं, जब लोग गुजरते हैं, लोग इतनी दुआएं देते हैं और स्पेशली हम लोग खुद अपने आप को इतना रिलैक्स फील करते हैं, काम तो करना ही करना है लेकिन अपने लिए हर कोई जीता है। तो हमारी फाउंडेशन का जो मेन मकसद है, हम लोग किसी फर्द वायद के लिए काम नहीं करते, हमारी कोशिश होती है कि हम वो काम करें जिससे मैक्सिमम लोग मुस्तफ़ीद हों, और हमारा इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ भी मिलती हैं, और जब लोग हमें बताते हैं, दुआएं देते हैं, इतनी मोटिवेशन मिलती है, दिल करता है और ज़्यादा हम लोग अपने गाँव के लिए करें। जिस तरह नरेश भाई ने माशाल्लाह से बात की है, मैं भी उसी को आगे बढ़ाऊंगा, हर काम हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, जिम्मेदारियाँ हैं मुआरे की जो हमें अपने जिम्मे लेनी होगी, और मैं यहाँ पर जो है ना नासर अब्बास साहब चाहता हूँ, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, मैं उनको गैया वेलफेयर फाउंडेशन के बिहार से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जब ये स्टार्ट हो रहा था ना तो नासर अब्बास साहब का जो मिशन था ना इसमें सबसे बड़ा वो यही था कि खुद भी करना है और साथ में दूसरी जो गाँव है साथ में देहात है उनको भी ऐड करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जमन में मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है, हमने अपने साथ दो मुलहिका गांव जो है उनके अंदर वेलफेयर सोसाइटी जो है वो अपनी अपने उनको सपोर्ट किया, उनको बनवाई है, उनको हेल्प आउट किया है, उनको जो है ना उनके साथ डिटेल सारी शेयर की है, और अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ता हुआ है हमारे साथ एक गाँव है द्रेका, वहाँ पर वेलफेयर फाउंडेशन जो है ना उसका क्याम जो है ना वो कबीर हुआ है, उन्होंने बाकायदा दो तीन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम शुरू कर दिया है, इसी तरह हमसे जो एक और मुलहिका गाँव है गाँव मांगा वहाँ पर उन्होंने हमसे जो है ना वो हेल्प चाहिए, हमने उनको प्रॉपर फैसिलिटेट किया, वहाँ पर ये काम जो है ना वेलफेयर का काम वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो शुरू हो चुका है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो भी सही। नवीद अशरफ और फुरन शहजाद साहब, मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के आखिर में अपने इलाके और उसके गांव के ओवरसीज भाइयों को पैगाम दें आप कुछ। इसमें मेरा पैगाम एक ही है कि कोई भी गांव है ना जहां पर भी माशाल्लाह से मंडी बाउदीन में जिस तरह इस वक्त मुख्तलिफ वेलफेयर फाउंडेशन जो है ना वो काम कर रही हैं, और पिछले दिनों हमारी एक मीटिंग चल रही थी यहां पर गजाली अदाफिस में जगन साहब जो है जो डायरेक्टर हैं तो उन्होंने हमारे साथ डाटा शेयर किया कि इस साल मंडी बाउद्दीन के अंदर मुख्तलिफ गाँवों के अंदर जो वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है उन्होंने तकरीबन 2 अरब का जो काम है ना वो अपनी मदद आपके तहत की है, और ये यकीनन मुमकिन हुआ है जो हमारे ओवरसीज भाई हैं उनकी मदद, उसके अलावा इतनी बड़ी अमाउंट का इकट्ठा होना और उसके बाद फिर उसको मुख्तलिफ भलाई कामों में लगना, जाहिर है हमारी जो हम लोग पीछे बैठकर गाँव के अंदर सोसाइटी चला रहे हैं वेलफेयर के काम कर रहे हैं हमारी उसके अंदर इनपुट एक हद तक शामिल है, लेकिन जो मेजर रोल है इसके अंदर वो हमारे उन भाइयों का जो बाहर बैठे हैं और अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो हमारे पास हमारे ऊपर ट्रस्ट करके वो भेज देते हैं,
उसमें मैं समझता हूँ कि ओवरसीज भाई बहन जिसकी खूबसूरती के साथ वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर वो इसी तरह हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमारे पास फंड इसी तादाद में भेजते रहे तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस साल के अंदर या एक दो साल के अंदर मंडी बाउदीन की जो शक्ल है ना वो आप लोग तब्दील पाएंगे और इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे तो मंडी बाउदीन जो है ना वो खूबसूरत से खूबसूरत तीन जिला इंशाल्लाह पाकिस्तान का बनने जा रहा है। शायद नवीद अशरफ साहब लाइन टूट चुकी है, वो हमारे साथ मौजूद नहीं है और बहुत अच्छी बात की उन्होंने कि हम लोग इस बात पे बहुत खुश होते हैं कि रास्ते से कोई कंकर उठा देना और बेशक अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम में नई तंजीम के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। खुदा हाफिज़।